हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। और आप लोगों का चल रहा है मेमोरी टेस्ट, और मेमोरी टेस्ट में ये आपका क्लास टू है। आप लोग क्या करना, डिस्क्रिप्शन देख लो इस वीडियो का, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा कंप्लीट साइको टेस्ट का, जो भी बुक मैं रिकमेंड किया हूँ उसका लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पेज को जाकर के आप लोग फॉलो करो, ठीक है। देखो ये बुक मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ, ये इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, जिसे जो लैंग्वेज समझ में आए आप लोग खरीद लेना। काफी लोगों का कमेंट आता है कि सर साइको कितना लैंग्वेज में होगा, तो ये मैंने बहुत बार बताया कि साइको सिर्फ और सिर्फ आपका दो लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इसके अलावा आप सोचोगे कि बंगाली में होगा, मराठी में होगा, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। और मिनिमम दो बुक लेकर के आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीबीटी वन निकाल चुके हो, सीबीटी टू निकाल चुके हो, थोड़ा सा एफर्ट और लगा लोगे और आपका लाइफ सेटल, ठीक है। थोड़ा सा कंजूसी करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक ही खरीद लो आप लोग कम से कम, ओके। चलो, और ये मेमोरी टेस्ट है, और इसका यहाँ पे क्या है कि सेकेंड नंबर रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। ये मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, ये सारा मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, और इसका नेक्स्ट थ्री लेक्चर जो आएगा उसमें ये मैं करवाऊंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट होता क्या है, और यहाँ पे क्या होता है कि आपका 12 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपका टाइप वन करवाया था ना, वहां पे क्या था, 12 क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, उसको याद करना था, दो मिनट का टाइम मिलेगा, और नेक्स्ट दो मिनट में आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज है, आपको रेलवे का ट्रैक दिखाया जाएगा, स्टेशन दिखाया जाएगा, उसका नाम रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पी के बी सी डी ए बी ई ऐसे करके कुछ भी नाम रहेगा, और आपको क्या है, टोटल 24 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टू सेट्स। लेकिन यहाँ पे अच्छा बात क्या है कि वहां पे आपको 4 मिनट था, यहाँ पे आपको 5 मिनट है, मतलब 2.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको रेलवे ट्रैक को नोटिस करना है और नेक्स्ट 2.5 मिनट में आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है, ओके। देखो और एक चीज आप लोग याद रखना कि एक होता है आपका सिंगल ट्रैक जो कि आपका इस तरह से होता है, और एक होता है आपका डबल ट्रैक जो कि आपका इस तरह से होता है। तो इससे खैर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, तो इसको अगर आप लोग नहीं भी जानोगे तो कोई बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको टाइप वन मेमोरी टेस्ट में बताया था, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ 2.5 मिनट के लिए, ओनली 2.5 मिनट्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपके माइंड पे जो अटैक हो, जो आपको समझ में आए, आप ये मत सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ या आपका फ्रेंड क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, 2.5 मिनट के लिए आप लोग जो मन में आए, गलत सही सब जायज है, बस हम लोगों का टारगेट है क्वेश्चन बनना। और 40% 42% यानी 10 क्वेश्चंस कैसे भी करके हम लोग आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस अगर ले आते हैं तो हम लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे 42% के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग यहाँ पे 100% के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे याद कैसे करोगे, 2.5 मिनट का टाइम है आपके पास, तो देखो कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा, और जल्दी जल्दी देखना है। एक तो जो मैंने आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जैसे ही टाइम खत्म होगा तब तक हम लोग 2-3 को देख लेंगे, और जैसे ही पेज को पलटेंगे या आंसर स्लाइड मेरा आएगा हम लोग उसको फटाक से आंसर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा 2-3 तो ऐसे ही हो जाएगा, और 2 सेट है यानी 4-5 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो आपको एक चीज पता चलेगा, क्या पता चलेगा, तो देखो जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे, देखो आपका XXAT यहाँ पे है, XNC यहाँ पे है, तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये आमने सामने है, हल्का सा कुछ भी, चलो यही आपका एक्स आमने सामने है, मतलब हम लोग ये देखे कि ये एक्स और यहां दोनों एक्स, ये मेरा आमने सामने है ना। चलो ये समझ में आया, हम लोग छोटा सा दिमाग ये लगाते हैं कि यहाँ पे एन देखो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे एन देखो सेकेंड पोजीशन पे है,
और यहाँ पे एन देखो थर्ड पोजीशन पे है। इसके अलावा देखो तो एन कहीं है क्या, तो जी नहीं, पूरे के पूरे डायग्राम में एन कहीं पे भी नहीं है। तो एक दिमाग हम लोगों ने ये लगाया। इसके अलावा और कोई दिमाग लगाते हैं तो और दिमाग लगाते हैं, एक्स है तो वाई से स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ पे वाई से स्टार्ट हुआ है, तो अब आप बोलोगे कि सर वाई तो ऊपर में भी है, है कि नहीं, तो y ऊपर में है तो z से स्टार्ट हुआ है, यानी y से स्टार्ट z से स्टार्ट, उसी तरह से देखो y से स्टार्ट z से स्टार्ट। तो ये मुझे एक क्लू मिला, क्या क्लू मिला कि yz ऊपर में है और yz नीचे में है। अब कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा yz ऊपर में है और कौन सा yz नीचे है, तो हम लोग यहाँ से दिमाग लगाते हैं कि r सेम वाला नीचे में है, जो जो मैं बोल रहा हूँ दो मिनट के लिए मेरे माइंड में है और बस इसी पे मैं क्या करूंगा आंसर कर दूंगा। तो ये मुझे समझ में आया, मुझे ये पता चला कि वाई जेड ऊपर में है तो वाई जेड नीचे में है, लेकिन नीचे वाला वाई जेड में आर आर कॉमन होना चाहिए सेम प्लेस पे, ये मुझे पता चला। मुझे ये पता चला कि ये एक्स सामने है और ये दोनों एक्स सामने है, मुझे ये पता चला। और मुझे क्या पता चला बताओ, मुझे ये पता चला कि एन फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, मुझे ये पता चला। तो इतना सारा मैंने कवर कर लिया। अब मैं कौन सा करूं बताओ, अब मुझे कौन सा करना है। अब इस एक्स आर सी में और इस एक्स ए टी में कैसे समझोगे कि कौन सा होगा मेरा, तो हम लोग कैसे करेंगे, कोई सा भी छोटा सा दिमाग लगाओ, कुछ भी पकड़ने का कोशिश करो। एक आप ये पकड़ सकते हो, क्या पकड़ सकते हो, यहाँ पे देखो ये टी है तो यहाँ पे मेरा टी है, लास्ट में टी, तो यहाँ से हम लोग एक चीज पकड़ सकते हैं कि लास्ट में मेरा टी है, एक अल्टरनेट पे, मतलब टी, ये हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर आपको कोई और माइंड अटैक कर रहा है तो आप वो माइंड लगाओ, लेकिन लगाना है और क्वेश्चन बनाना है। तो इतना सारा चीज अभी तक मुझे दिमाग में आया। अब मैं क्या करूंगा, कोई और क्लू देख लेता हूँ, ढाई मिनट अगर अभी नहीं हुआ है तो हम लोग और कुछ देखते हैं। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे मेरा लास्ट में सी है, मुझे कि ये पता चला। और क्या पता चला बताओ, और इस एक्स आर सी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, मान के चलो इस एक्स और इस एक्स वाले में कि ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा, तो यहाँ पे देखो सी है राइट लास्ट में और यहाँ भी सी है और दोनों सीध में है ऐसे करके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा तो जस्ट उसके सामने लिख दूंगा। तो ये मुझे एक पता चला है ना। और क्या पता चला, कुछ भी जो आपको अटैक कर रहा है, अब मान के चलो कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, अब मैं क्या करूंगा बताओ, 9 मिनट हो चुका है, 10 सेकंड 15 सेकंड बाकी है, तो मैं क्या करूंगा याद कर लूंगा। किसको किसको याद करूंगा, तो मैं एक इसको याद कर लूंगा, मैं एक इसको याद कर लूंगा, और इसको तो मैंने कर लिया है, वैसे यहाँ से मेरा ये तीनों हो चुका है, मुझे ये नहीं पता था, तो मैं क्या करता हूँ इसको याद कर लेता हूँ और इसको याद कर लेता हूँ, मतलब PC के नीचे और WKC ऊपर, मैं ये याद कर लेता हूँ। और देखो, और आपको एक दो चीज याद करना पड़ेगा, तो बोलोगे क्या याद करना पड़ेगा, तो कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है आपको ये भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस वाले पोर्शन पे सिर्फ मिडिल में है, सटा हुआ है मेरा यहाँ पे, और इस वाले पे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि ये भी एन को आप यहाँ पे कर दोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 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 है, मतलब आप क्या समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि लेफ्ट साइड में देखो सारा आउटर मोस्ट पे है, सारा आउटर मोस्ट पे है, और राइट साइड में देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और यहाँ भी नहीं है, मतलब आपका सिर्फ एक इसमें और एक इसमें है। तो मुझे इतना चीज पता चला। अब मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, मेरा टाइम ओवर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चला गया अपना आंसर सेट में। अब मैंने जो जो बात बोला है ढाई मिनट तक उसको अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ मेरा मेमोरी पावर कितना अच्छा है और मैं कम से कम कितना क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो मैंने क्या क्या याद किया था, मैंने आपको एक याद किया था PCK, याद करो यहाँ पे मैंने बोला ना आपको कि PCK मैंने याद किया था, तो और VAN मैंने यहाँ पे याद किया था, तो PCK 1 के जगह पे मेरा E हो जाएगा,
वी एन मैंने यहाँ पे याद किया था, वी एन यहाँ पे है एट का, एट का मेरा ए हो जाएगा। मैंने और क्या याद किया था, मैंने याद किया था सेंटर। देखो अब ये और ये है, मेरा गलत हो सकता है, मुझे नहीं पता कि एन वाला कहाँ पे था। अब क्या करेंगे, तो मैंने एक ये याद किया था ऐसे करके, सी 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 मैंने याद किया था कि सी मेरा यहाँ पे है और इसके सामने सी मेरा यहाँ पे है। और मैंने क्या याद किया था, मैंने याद किया था वन प्लस टू प्लस और थ्री प्लस मैंने याद किया था। याद करो वन टू थ्री किसको देखना है, एन को देखना है, मतलब एन मेरा तीन जगह पे है, वन टू और थ्री। तो थ्री मेरा यहाँ है तो थ्री मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो थ्री एन। अब मेरा एन फर्स्ट प्लेस यहाँ पे है इलेवन नंबर में, देखो तो एन के जगह पे यहाँ पे एन को रखेंगे, मतलब यहाँ पे एन वाई टी था मेरा यहाँ पे, तो इलेवन का आंसर क्या हो जाएगा, इलेवन का आंसर डी हो जाएगा। अब एन फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड एन देखो कहाँ पे है, किस ऑप्शन में सेकंड नंबर पे एन है, फाइव नंबर, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपका एन सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये सी। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स एन सी यहाँ पे कर दिया, थ्री के जगह यहाँ पे वी ए एन कर दिया, ये मेरा हो गया। ये मैं आपको लिख करके समझा रहा हूँ कि कैसे मैंने लाया, पी सी के मेरा यहाँ पे था, ये मैंने कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सी और सी सामने, क्योंकि एक्स से ये भी स्टार्ट हो रहा था और एक्स से ये भी स्टार्ट हो रहा था। लेकिन एक्स से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो एक्स से आपका एक ये स्टार्ट हो रहा है, सेवन नंबर देखो और फोर नंबर देखो। अब इस सेवन को देखो और इस फोर को देखो तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने क्या बताया था, सी यहाँ है तो सी यहाँ पे होगा, यानी कि ये फोर नंबर एक्स आर सी ये मेरा होगा और यहाँ पे क्या है ई है, तो एक्स आर सी के जगह मेरा ई हो जाएगा। और उसके नीचे मेरा एक बचा है एक्स ए टी मेरा बचा, तो एक्स ए टी ये मेरा बचा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा डी है। अब मैं क्या करूं, तो अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि वाई जेड, मैंने बताया था वाई से यहाँ स्टार्ट होगा और जेड से यहाँ स्टार्ट होगा, वाई से यहाँ स्टार्ट होगा और जेड से यहाँ स्टार्ट होगा, ये मैंने बताया था। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे सेम होगा, मतलब वाई जेड से दो दो है तो नीचे सेम है, तो वाई देखो और जेड देखो, तो यहाँ देखो टू नंबर में देखो और टेन नंबर में देखो, वाई से स्टार्ट है और जेड से स्टार्ट है और लास्ट में आर और आर है, मतलब वाई आर, तो वाई टी आर मेरा यहाँ पे हो जाएगा और जेड ए आर यहाँ पे हो जाएगा। तो जेड ए आर के सामने मेरा ए है और वाई टी आर के सामने मेरा सी है, तो मुझे ये कंप्लीट हो गया। अब और कुछ करते हैं, अब ऊपर वाला वाई जेड देखते हैं, एक एक बचा हुआ होगा, तो एक है वाई बी टी यहाँ नाइन नंबर में देखो और जेड पी के यहाँ सिक्स नंबर में देखो, तो वाई यहाँ है तो वाई बी टी और जेड पी के, तो जेड पी के जगह पे क्या है डी है, तो जेड पी के जगह डी कर दिए और वाई बी टी के जगह क्या है सी है, तो सी कर दिए। अब मेरा क्या हुआ, देखो तीन बन गया, तीन छह बन गया, सात आठ नौ दस बन गया। अब मेरे पास दो बचा, एक ट्वेल्व बचा डब्ल्यू के सी और एक बचा मेरा आर पी के। अब मुझे नहीं पता है कि कैसे याद करेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि सी यहाँ है ना और सी सी हम लोगों ने देखा था कि एक साथ हो रहा था, डब्ल्यू के सी यहाँ पे मेरा होगा, तो ये मेरा हो गया डब्ल्यू के सी, तो यहाँ पे मेरा ए। अब मेरा एक बचा आर पी के, अब आर पी के मेरा कहाँ जाएगा, तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ कि मेरा आर पी के कहाँ जाएगा। तो या तो आप इसको लीव करो, छोड़ दो, या तो आप बनाने का कोशिश करो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कहीं पे भी बैठा दो, कहीं पे बैठा दो, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 11 आपका सही कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है आपका, एक मिनट के लिए देख लेते हैं, आर पी के यहाँ पे है तो आपका आर पी के यहाँ पे हो जाएगा, आर पी के। अब आपको अगर मिलाना है तो आप मिला सकते हो कि आपका सही आया है कि नहीं आया है सब जगह पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर में वाई बी टी जेड पी के है ना, चलो एक्स आर सी एन वाई टी सही है, एक्स ए टी आर पी के, एक्स ए टी आर पी के सही है, वाई टी आर जेड ए आर सही है, पी सी के वी ए एन सही है, चलो एक्स एन सी डब्ल्यू के सी सही है। चलो देखो आपके सामने मैंने बनाया, इसी तरह से आपको करना है, कुछ नहीं करना है, क्लू निकालना है आपको, जैसे समझ में आए वैसे करना है, दो तीन बात मन में क्या करोगे बोलोगे और उसी को आप अप्लाई करने का कोशिश करोगे,
ठीक है, और एक एक करके करना, जैसे जैसे आपने बोला था वैसे वैसे आपको करना है, और ये डिपेंड करता है आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपका मेमोरी पावर कितना है, इस तरह से। अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन का सेट बताता हूँ बना करके। अब यहाँ पे क्या है, उसी तरह से सेट एक्सरसाइज वन है, सेट वन है, यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस मिलेगा और 5 मिनट का टाइम, 2.5 मिनट देखने के लिए और 2.5 मिनट आंसर करने के लिए। तो चलो ये क्वेश्चन है, अब क्या करोगे, अभी तो आपको ये फर्स्ट सेट है ना, तो आप मेरा सुनो, सेकेंड सेट से आप लोग अपना करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं बस देखने का कोशिश करता हूँ। एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे ये सिंगल लाइन और डबल लाइन समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंगल लाइन क्या है, डबल लाइन क्या है, एक कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट कि किस स्टेशन का नामकरण हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक ही है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो ये सब आपको पता करना पड़ेगा, ओके। और क्या करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये देखो टी राइट में है, टी राइट में है, टी राइट में है, टी राइट में है, तो हम लोगों ने ये देखा कि सारा टी मेरा लेफ्ट में, चारों जो है ये चारों इसमें मेरा टी आपका दाहिने तरफ है और किसी में मेरा टी दाहिने तरफ नहीं है, तो आपको ये एक पता चला, एक क्लू पता चला। और आप स्टेशन देख लो ध्यान से, स्टेशन भी आपका सबसे बाहरी, सबसे बाहरी, सबसे बाहरी और सबसे बाहरी, तो आपको ये पता चला। अब आप कैसे याद रखोगे कि W V X U किससे स्टार्ट हो रहा है, कौन है ना, तो आपको जैसे याद करना है कर लो, जैसे W X V X X A U R, चाहे ऐसे कर लो, V मिडिल में है और उसके बाद V के बाद W चले जाएंगे, फिर W के बाद X आ जाएंगे और इधर से यू के बाद भी चले जाएंगे, मतलब आपको कैसे भी करके यहाँ पे आपको हिंट लेना है, क्लू आपको लेना ही लेना है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, ओके। तो चलो देखते हैं, आपके सामने देखते हैं डब्ल्यू एक्स टी, यहाँ पे देखो टी खत्म हुआ, टी स्टार्ट हुआ, तो हम लोग ये देखेंगे कि टी और मेरा टी आमने सामने है ना, टी मतलब खत्म हुआ है और टी मतलब इस वाले में भी टी है और इस वाले में भी टी है और इस वाले में भी टी है, तो एक ये चीज कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे टी राइट में है और यहाँ पे टी मेरा मिडिल में है, तो एक ये मुझे पता चला, ठीक है। चलो एस टी एक साथ देखो, यहाँ पे मुझे ये पता चला, या आप ये कह सकते हो आर खत्म हुआ और एस से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हो। और कैसे पकड़ सकते हैं, तो आर खत्म हुआ और टी से स्टार्ट हुआ, तो मुझे एक ये समझ में आ गया। और यहाँ पे डब्लू है, तो ऐसे करते हैं भी के बाद डब्लू आता है, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे कि भी के बाद डब्लू जाता है ऊपर, तो ये मेरा काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और यू बचेगा, मतलब दो बचेगा हम लोगों का, है ना, तो जिस तरह से भी से ज्यादा गए डब्लू, उसी तरह से यू से ज्यादा एक्स, है ना, मतलब कुछ भी 2 मिनट के लिए करना है। यहां से बस इतना दिमाग में रखना है कि भी से स्टार्ट करेंगे डब्लू तो बचेगा दो, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, कैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं आंसर में बताऊंगा, टी से सेलेक्ट करेंगे, तो जिस तरह भी से ज्यादा डब्लू था उसी तरह से यू से ज्यादा एक्स हो गया, इधर का मेरा कहानी खत्म। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा टी और टी मिडिल में ऊपर है और यू है, टी है, आर है और आर से एस स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज और दिखता हूँ, देखो यहाँ पे W, यहाँ देखो W N K है, यहाँ पे Y W N है और यहाँ पे W C R है, तो ये तीनों में देखो W है, आपको ये समझ में आ रहा है। और क्या समझ में आ रहा है कि दोनों में N है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कैसे, देखो Y और W है, कैसे याद करेंगे, तो आप जो है सो ऐसे कर सकते हो कि देखो यहाँ पे देखो W है, W के बाद Y है, Y के बाद Z है, उसी तरह से W के बाद Z है, R से एंडिंग है, R से एंडिंग है, कैसे भी करके क्लू तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, दिमाग क्या लगाऊंगा, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा आंसर पे तो मैं याद कर लूंगा, किसको याद कर लूंगा बताओ, तो मैंने देखा कि W C R है और यहाँ पे Y W N है, तो W के बाद Y, Y के बाद Z, सीरियली देखो W फर्स्ट, W के बाद Y और Y के बाद Z, ऐसे पकड़ेंगे और W के बाद इधर से भी Z,
ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ने का कोशिश करना है। अब इसको और इसमें कैसे पकड़ोगे कि ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन जाएगा, तो हम लोग एन से पकड़ेंगे, सारा एन वाला मेरा एक साथ है, सारा एन वाला मेरा एक साथ है, तो ये पता चला। अब मैं क्या करता हूँ, याद करता हूँ, क्या याद करूंगा, मैं याद करूंगा इसको, मैं इसको याद करूंगा एक्स आर ए को और डब्ल्यू सी आर को। ध्यान देना, मैं आपके सामने बना करके दिखाता हूँ, मैं डब्ल्यू सी आर को याद कर लिया हूँ और एक्स आर ए को याद कर लिया हूँ कि एक्स आर ए मेरा यहाँ है और डब्ल्यू सी आर मेरा यहाँ पे है, और मैंने ये देख लिया है कि यहाँ आउटर मोस्ट, यहाँ आउटर मोस्ट, यहाँ आउटर मोस्ट, यहाँ आउटर मोस्ट है, ओके। और ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे, मतलब दोनों सेंटर पे फील है, ये भी आउटर मोस्ट है, ये भी आउटर मोस्ट है, और एक आपका ये जंक्शन है और आपका एक यहाँ पे मिडिल में है, तो इतना मुझे दिख गया। 12 टारगेट करूंगा, क्या पता 8, 9, 10 सही हो जाए, मेमोरी बेस है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो ये याद कर लिए एक्स आर ए और डब्ल्यू सी आर, एक्स आर ए और डब्ल्यू सी आर याद रखना है और अप्लाई करना है, जाना है और तुरंत अप्लाई करना है। तो एक्स आर ए, एक्स आर ए यहाँ था और डब्ल्यू सी आर यहाँ था, तो एक्स आर ए का आंसर हो जाएगा मेरा डी, और डब्ल्यू सी आर कहाँ है 3 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ई। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे करके याद रखना है, डब्ल्यू है तो जेड यहाँ पे हो जाएगा, वाई यहाँ पे हो जाएगा और आपका जेड यहाँ पे हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू वाई जेड और डब्ल्यू जेड। अब देखो जेड से ये भी स्टार्ट है और जेड से ये भी स्टार्ट है, लेकिन ऊपर वाला एरिया में मेरा एन आएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो जेड से 2 स्टार्ट है, यहाँ देखो 7 नंबर और 11 नंबर, तो एन वाला ऊपर आ जाएगा, तो जेड ए एन, और एक और बचा जेड ए आर, तो जेड ए आर की जगह मेरा आंसर ए और जेड ए एन की जगह मेरा आंसर ई। अब आप क्या करोगे, चलो इधर चलते हैं यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे देखो टी है, मतलब ये 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 और ये है ना, तो सारे का राइट में टी था मेरा, ऐसे करके सारे का, ओके चलो सारे का टी था, तो देखते हैं टी वाला कहाँ कहाँ है। 5 नंबर में है और 6 नंबर में है और 4 में है और 8 में है, और मैंने क्या बताया था याद करना कैसे, भी और डब्लू, यानी भी से ये स्टार्ट हो जाएगा और डब्लू से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो डब्लू से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो चलो पूरा करो अभी डब्लू से, तो डब्लू एक्स टी, तो डब्लू एक्स टी की जगह क्या है सी आंसर, और भी, भी से कहाँ है यहाँ पे है 8 नंबर, भी एक्स टी, तो भी एक्स टी इसका क्या आंसर डी आंसर। अब फिर से एक्स ए टी, 4 नंबर देखो, एक्स ए टी बचा और यू आर टी बचा, तो जिस तरह से ये गए थे इनक्रीजिंग ऑर्डर में, भी के बाद डब्ल्यू आता है, उसी तरह से एक्स और यू में कौन किसके बाद कौन आता है, तो यू एक्स, एक्स टी यू भी डब्ल्यू एक्स कैसे पढ़ते हैं हम लोग, तो यू भी डब्ल्यू एक्स, तो यू के बाद एक्स आता है, तो यू नीचे आएगा और एक्स ऊपर आएगा, जिस तरह से यहाँ भी के बाद डब्ल्यू आता है उसी तरह से यू के बाद एक्स आता है, तो पूरा करो, ये हो गया एक्स ए टी, तो इसका आंसर क्या होगा सी, और ये हो गया आपका यू से स्टार्ट है ना, तो यू आर टी, तो इसका आंसर आपका डी हो गया, तो ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कौन कौन बच गया मेरा, देखो एन वाला यहाँ पे है और ये वाई से है, तो y से मेरा एक यहाँ है और कहीं नहीं है, तो y w n, तो y w n, तो y w n हो गया, तो इसका आंसर मेरा हो गया d, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं बताओ, अब मेरा कौन कौन सा बचा, अब मेरा बचा आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 3, 3, 6, 3, 9 हम लोगों ने कर लिया, और हम लोगों को ये भी पता है कि इधर का एन वाला था, ये भी हम लोगों को पता है, तो यहाँ यू टी आर है और यहाँ एस टी एन बचा और यहाँ डब्ल्यू एन के बचा, तो ये हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एस टी से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ था और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो एस टी एन मेरा एक यहाँ होगा, तो अगर ये मेरा एन वाला हो गया तो यहाँ भी एन वाला बचेगा, तो डब्ल्यू एन के मेरा यहाँ पे हो गया। अब एस टी से स्टार्ट हुआ यानी किस से खत्म हुआ था, तो आप देखो यू टी आर, तो यू टी आर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, यू टी आर से खत्म हुआ था, तो यू टी आर के जगह पे आंसर डी हो जाएगा, और यू टी आर के बाद स्टार्ट हुआ था एस टी एन, तो एस टी एन के जगह पे आंसर ई हो जाएगा, और एक ये बचा डब्ल्यू एन के,
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आपके सामने मैंने बनाया, अब चूंकि मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन कैसे कैसे अप्रोच करना है ये आपने देखा। तो आपको क्या करना है, एक स्टोरी मन में क्रिएट कर, कुछ भी जैसे आप, मैं बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आए कुछ भी करो, लेकिन आपको बस अढ़ाई मिनट के लिए मान लेना है। जैसे कि हम लोग मैथ्स सॉल्व करते हैं तो कहते हैं ना कि लेट फादर्स एज विल बी एक्स, मानना है यार, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, हम लोगों को बनाना है ना। चलो तो ये आपको समझ में आया। उसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या है, आपको ढाई मिनट का टाइम मिलेगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ढाई मिनट का टाइम मिलेगा और अढ़ाई मिनट तक हम लोगों को इसको देखना है। तो देखो इसको, और देखोगे तो आपको एक दो चीज पता चलेगा। बोलोगे क्या पता चलेगा, तो आप अच्छे से देखो, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारा चीज नोटिस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे बाहर में है, सबसे बाहर में है और यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये पता चला कि यहाँ पे नीचे राइट साइड में दोनों तरफ आउटर में है, ओके। और आपको क्या पता चला, देखो एक दो और मैं तरीका बता देता हूँ। आप क्या करना ना, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन खोजना। जैसे कि देखो ये आपका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, ऐसे करके। तो इसको क्या करते हैं ना, हम लोग एक ट्रिक बना के याद कर लेते हैं। इससे फायदा बताओ क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अपने लोगों को तो 10 क्वेश्चन मस्ट करना है किसी भी कीमत पे। अगर इसको मैं याद कर लेता हूँ तो चार तो मेरा ऐसे ही सही हो जाएगा, तो क्यों ना एक ट्रिक बना करके याद कर लेते हैं। कोई सा भी ट्रिक, कुछ भी ट्रिक, जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, जयप्रकाश विकेट कीपर युवराज सिंह एनसीआर में रहता है, पुणे एनसीआर से ठीक ऊपर है, ढाई मिनट के लिए, असली में क्या है नहीं है, रियलिटी में नहीं जाना है, ओनली आपको ढाई मिनट के लिए मानना है, ठीक है। बस अगर आपके मुंह में बोला, आपने मुंह से बोला जयप्रकाश विकेट कीपर युवराज सिंह एनसीआर में रहता है, पुणे एनसीआर से ऊपर हो, तो आपका क्या होगा, पांच बन गया। समझ में आ रहा है, तो जब आप एक बार बोल लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और आपको क्या करना, फटाफट आंसर मारना है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कि मैंने जयप्रकाश विकेट कीपर युवराज सिंह एनसीआर पूरा क्यों बोला, मैंने पूरा इसलिए बोला कि अगर आप सिर्फ डब्लू से याद करोगे तो डब्लू यहाँ भी है, डब्लू यहाँ भी है और डब्लू यहाँ भी है, अब बताओ कैसे याद करोगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और विकेट कीपर, विकेट कीपर बोलेंगे तो डब्लू के से पकड़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, समझने का कोशिश करो, मैं इसलिए इतना अच्छा से बता रहा हूँ। तो आपको क्या हुआ, आपको देखो पांच याद हो गया, जयप्रकाश विकेट कीपर युवराज सिंह एनसीआर में रहता है, चाहे एनसीआर से है और पुणे उसके ऊपर है, ये याद हो गया। अब एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, दोनों डब्ल्यू से स्टार्ट है और डब्ल्यू एन दोनों में है, तो आपके पास एक R है और एक S है, तो R के बाद S आता है, तो S को राइट साइड में लिखेंगे, R को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो आपको क्या हुआ, ये याद हो गया और ये याद हो गया, तो हम लोगों को 3, 2, 5, 6 और 7 याद हो गया। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। चलो आपको ये याद हो गया, और आपको इतना ही नहीं, आपको ये भी पता चल गया कि स्टेशन कहाँ कहाँ है। देखो ये आउटर स्टेशन, 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 मतलब अभी तक हम लोगों ने सारा आउटर स्टेशन याद किया है, और यहाँ पे आपका ये है, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मेरा नहीं है, तो इतना सारा आपको पता चल गया। अब और कोई दिमाग लगाते हैं, एक दिमाग ये लगा लेते हैं कि वाई के ठीक ऊपर, वाई, वाई के ठीक ऊपर, इससे फायदा क्या होगा बताओ, ठीक ऊपर मतलब ये और ये आप ऐसे ही काट दोगे, कैंसिल कर दोगे, y के ठीक ऊपर कौन सा, यही है ना, बताओ ये है, ये है, ये है, y के जस्ट ऊपर, y के जस्ट अबव कौन है, ये है, ऐसे करके हम लोग याद कर लेंगे, थोड़ा सा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर भी तो जा सकते हो ना, लेकिन ऐसे करके करेंगे, तो आपको ये याद हो गया। ढाई मिनट के लिए कोई भी लाइन हम इमेजिन करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग आंसर करते हैं और उसके बाद बाय बाय करते हैं, ठीक है। चलो इतना सारा पता चला, अब आपके पास क्या बचा, y के ठीक ऊपर y आ गया और y के ठीक ऊपर z आ गया, ऐसे करके याद कर सकते हैं, y के ठीक ऊपर, देखो इसको इस y में और इस y में आप कंफ्यूज नहीं करोगे, बिकॉज मैंने बोला युवराज, तो युवराज में u भी आ जाएगा,
तो सिर्फ एक वाई बचेगा जो इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर जेड आ जाएगा, तो ये आपको खत्म हो गया। एक बचा सेंट्रल, सेंट्रल कर लेते हैं इसको और इसको याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? मतलब जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा इसको याद करके जाऊंगा, इस दोनों को मैं याद करके जाऊंगा और सबसे पहले इसी दोनों को बनाऊंगा। इस लाइन पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा आंसर की पे, सबसे पहले मैं VCR और CNT मारूंगा, उसके बाद ही मैं अपना कोई भी काम करूंगा। चलो मैंने क्या किया, VCR और CNT को अच्छे से देख लिया और अच्छे से याद कर लिया कि VCR कहाँ पे है, CNT कहाँ पे है, आप लोग भी देख लिए। चलो स्टार्ट करते हैं VCR और CNT। तो VCR और CNT ये हमने देखा था और सबसे पहले क्या किया, इसको लिख लिया। तो अब VCR के सामने क्या है बताओ, तो VCR के सामने है मेरा D, तो D, और CNT के सामने क्या है, तो CNT के सामने है B, तो CNT के सामने है B। अब मैंने क्या क्या बताया था, जयप्रकाश विकेट कीपर, युवराज सिंह NCR है ना, और उसके ऊपर पुणे, तो जयप्रकाश देखो यहाँ ZP है और यहाँ ZX है, तो जयप्रकाश क्या हुआ, ZP। अब ये मत करना कि सर जयप्रकाश में तो J होता है, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, अढ़ाई मिनट के लिए कुछ भी मान सकते हैं, तो आप यहाँ ZP से कुछ मान लेना, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, जयप्रकाश ZPK, जयप्रकाश विकेट कीपर, तो विकेट कीपर WN होगा या WK होगा, तो आप बोलोगे WK होगा, तो WKS, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, वैसे इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जयप्रकाश विकेट कीपर युवराज, अब युवराज के लिए वाई भी होगा या YK होगा बताओ, वाई भी होगा, तो युवराज YV। NCR यहाँ है, NCR के ठीक ऊपर पुणे है, पुणे। चलो ZPK जयप्रकाश A हो गया, विकेट कीपर वाला कहाँ गया, A हो गया, और उसके बाद युवराज सिंह कहाँ गया आपका, E हो गया, उसके बाद NCR से है, NCR कहाँ गया, C हो गया, उसके ठीक ऊपर पुणे है, तो पुणे यहाँ है, 18 नंबर E हो गया, और इस युवराज के ठीक ऊपर वर्टिकली अपवार्ड मैंने बताया था, यानी यहाँ पे वाई है, तो वाई से ही स्टार्ट होगा, तो कौन सा बचा हुआ वाई से, YKT, तो YKT। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जेड से स्टार्ट है और यहाँ पे भी जेड से स्टार्ट है, तो ऊपर वाला को हम लोग सीरियली लेंगे, मतलब जेड के बाद ए आता है, तो जेड के बाद ए आता है, तो जेड के बाद ए कहाँ है बताओ, यहाँ पे ZAC, तो ये हो गया, तो ZAC आपका ए आंसर, और एक जेड बचा हुआ है खोजो, यहाँ पे ZXP, मुझे नहीं पता है, मेरे पास सिर्फ एक ही बचा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे XP लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि जेड के बाद XP आता है, क्योंकि जेड से दो है, एक मैंने लिख दिया, एक बचा हुआ है ZXP, तो ये आपको समझ में आ गया। अब कौन सा बचा, मैंने सारा बना दिया, अब मैंने बोला था कि आपको एक वेस्ट इधर है और एक वेस्ट इधर है, WW, तो W से देखो दो है, एक है W आपका N यहाँ पे, और एक है WN, यानी दोनों WN से है, R के बाद S आता है राइट में, S और ये लेफ्ट में, तो ये R और ये S, तो WNS यहाँ पे है आपका A, और WNR यहाँ पे है आपका D। तो मैंने क्या किया, सारा बना दिया, और ये ZXP के जगह पे B है, और YKT के जगह पे C है। अब आप ही बताओ कितना आसान था, सबका सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया, मुझे ये भी नहीं याद करना पड़ा कि कौन सा स्टेशन, काफी लोग आपको क्या बताएंगे कि आप सिंगल लाइन याद करना, आप डबल लाइन याद करना, आप जंक्शन याद करना, आप देख लेना कि कौन सा है क्या, भैया क्यों याद करोगे, कुछ नहीं याद करना है, कॉमन सेंस। मैं देखो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर ये है, तो ये दोनों अपने आप खत्म हो गया ना, मैं क्यों याद करूंगा कि ऊपर से थर्ड नंबर का नाम है और दो में नहीं है, क्या जरूरी है। मैंने आपको बताया कि यहां से तिरछे चले जाएंगे और यहाँ पे मेरा है, मैंने आपको बताया था कि इसको 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 देखेंगे और इसके ऊपर चले जाएंगे, तो जब मेरा नाम आ गया कि जयप्रकाश विकेट कीपर युवराज सिंह NCR पुणे, तो अपने आप मेरा ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, समझ में आ रहा है। तो ये होता है वे बनाने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये याद रखना तो ये याद रखना, तो कहाँ पे है, तो किसका नाम है, सिंगल लाइन डबल लाइन मत याद करो, जिस वे में मैं बता रहा हूँ उस वे में याद करोगे, काफी आसानी से हो जाएगा और 100% सही बनाओगे, ठीक है।
चलो बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। और वैसे भी ये फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, डजंट मैटर, आप लोग बस फॉलो करो और परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। 3-4-5 सेट लगाओगे ना, लगाते लगाते तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि अब मैं कर लूंगा। तो मन से एग्जाम का तैयारी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।